सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियोस ये वाला इससे डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग भी झारखंड से हैं, जैसा कि मैं भी झारखंड से हूँ, आप लोगों को तो मालूम है पहले से ही, और मैं इस घटना से मैं भी पीड़ित हूँ। जो जो यूट्यूबर है झारखंड में, जितने भी यूट्यूबर है, वो लोग का तो टेंशन हो ही गया होगा, लेकिन जिन्होंने अपना शेड्यूल तय कर करके अपना वीडियोज पोस्ट करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके घर में ये काम जो अभी हम लोग कर रहे हैं यूट्यूब पर वीडियोस डालने वाला, वो काम हम लोग के लिए 2 दिन के लिए बंद हो गया था। मतलब कि हम लोग वीडियोस टाइम पे पोस्ट नहीं कर पाए, और जब नेट आया तब हम लोग, नेट आने के बाद तुरंत हम लोगों ने वीडियोस को पोस्ट कर दिया और धड़ाधड़ लाइव भी आए इसके चलते में। तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि अदर कंट्री में तो ऐसे नहीं हुआ, अदर स्टेट में तो ऐसा नहीं हुआ कि नेट बैन हो गया है या फिर ऐसा, लेकिन ये पर्सनली झारखंड से ऐसा बदला क्यों लिया गया समझ में नहीं आ रहा है। और कभी कभी मुझे डाउट होता है कहीं मैं यूट्यूबर हूँ इस वजह से तो झारखंड में नेट नहीं बंद हो गया। चलिए कोई बात नहीं, समझा था। और जैसा कि मेरे साथ हुआ है, मतलब कि जब से मैंने 2:30 बजे मैंने वीडियो, जैसे ही नेट आए, मतलब कि नेट 2:30 बजे ही आया और मैंने वीडियोज को अपना पोस्ट किया यूट्यूब पर, तो उस पर इतना गंदा व्यूज आया है कि मैं एकदम हताश सा हो गई हूँ। और मैं वीडियोस तो पोस्ट नहीं कर पाती थी क्योंकि 2 दिन से मुझे जो डिप्रेशन खाए जा रहा था कि अब क्या करूँ, ऊपर से मन भी नहीं लग रहा था, कोई काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं काम करते करते भी लाइव आती हूँ। आप लोगों को जैसा पता है बर्तन ढंग जो आवाज करते हैं, तो आप लोगों को मालूम चल ही जाता है कि मैं उस टाइम कुछ काम ही कर रही होती हूँ या फिर रोटी बना रही होती हूँ। एकदम मन तो नहीं लग रहा था। जो जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने पूछा कि झारखंड में नेट बंद हो गया था तो कैसा फील हुआ, बिना इंटरनेट का कैसा लग रहा है, तो मैंने 2-3 वीडियो पे कमेंट भी किए इस तरीके से कि अब यूट्यूब पर वीडियोज डालने का टेंशन खत्म हो गया। तो ये टेंशन खत्म नहीं, जो आदत लगा था यूट्यूब का कि 2 दिन में कैसा हम लोग को लगा कि लग रहा था कि कोई होता है ना कि कुछ काम ऐसा रहता है कि जो अधूरा रह जाता है, वही एकदम लगने लगा था अंदर से कि मेरा एक काम तो छूट रहा है। क्या काम छूट रहा है? वो वीडियोज ही था। और जब से ये नेट बंद हुआ है, पता नहीं मेरा जो यूट्यूब पर जो कंसिस्टेंसी जो होता है वो कहीं ब्रेक ना हो गया हो, क्योंकि मैं इतने एकदम टाइम की, वो जो पंक्चुअल होता है ना, मैं टाइम की इतनी वो हो गई थी ना यूट्यूब पर कि मैं एकदम 7 बजे वीडियोज डालना ही होता है, तो मैं वीडियोस डाल नहीं पाई 2 दिन तक। तो मैंने जैसे ही फोन में नेट आया और मैंने उसमें पोस्ट भी कर दिया कि सॉरी गाइस, इतना नेट प्रॉब्लम था कि नेट का इशू था कि मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। तो बहुत लोगों ने कमेंट भी किया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, तो उनके लिए थैंक यू, समझने के लिए थैंक यू। और ऐसा नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर ही मुझे ऐसा वीडियोस देखते हैं और मेरे पोस्ट को देखते हैं, अदर भी होता है ना, न्यू व्यूवर्स भी देखते हैं, तो उन्होंने भी कमेंट किया कि चलिए कोई बात नहीं, अब नेट आ गया है तो आप वीडियोस पोस्ट कर लीजिएगा। तो हम बोले यस, थैंक यू समझने के लिए, और उन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किए, और सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू। अभी भी 825 करके अभी भी सब्सक्राइबर है, सो आप लोग के हेल्प से ही मेरा सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा। और इस तरीके से अगर नेट बैन होते रहेगा, अगर झारखंड में, इंडिया में पूरा करो ना भाई, इंडिया में भी तो यूट्यूबर बैठे हैं, उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हाँ नेट ऑफ होता है, मतलब नेट बंद हो जाता है तो वीडियोज नहीं डाल पाते हैं, और उससे क्या होता है कि रूल ब्रेक भी हो जाता है और टाइम की कंसिस्टेंसी पता नहीं चलता है हम लोग को। जैसा कि यूट्यूब अगर समझ लेगा कि अरे अब इसका हो गया, लगता है अब ये एक्टिव नहीं हो पाएगी, लेकिन मुझे मालूम है कि यूट्यूब को भी कंडीशन मालूम होगा कि हम लोग वीडियोस क्यों नहीं डाल पा रहे हैं, झारखंड में वीडियोस क्यों नहीं डाल पा रहे हैं, उन लोगों को तो मालूम ही होगा। सो मैं इस चीज के लिए टेंशन फ्री हूँ। और जैसे ही वीडियोज आए, ऐसा नहीं कि मैंने आज इंटरनेट बैन है और मैंने कल वीडियोज डाला, नहीं, जिस दिन बैन हुआ उसका शाम होते होते नेट आया और उसके बाद मैंने वीडियोस को पोस्ट कर दिया, तो ऐसे कंसिस्टेंसी खराब नहीं होगा। हम लोग यूट्यूब पर एक्टिव है, थे, हमेशा रहेंगे। तो गाइस प्लीज सपोर्ट जरूर करें। और पता नहीं कौन सा एग्जाम के लिए ये नेट को बैन कर दिया गया था, JSSC करके कुछ है, CGL, उसी के वजह से, उसी के एग्जाम की वजह से हम लोग का नेट बैन हो गया और हम लोग नहीं डाल पाए अपने वीडियोज को, तो थोड़ा टेंशन हो जाता है। तो इसीलिए अभी मैंने वीडियोस को तो पोस्ट कर दिया, पोस्ट करने के बाद ही मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। और गाइज, अगर मेरा वीडियोस को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे फोर्सफुली नहीं है कि एकदम मेरा वीडियोस को सब्सक्राइब करो, ऐसे नहीं, अच्छा लगे वीडियोस तभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।